जय श्री राम, वंदे मातरम, सभी को नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानकारी दी थी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो हमारे शरीर में किस किस प्रकार से रोगों को ठीक कर सकता है, किन किन रोगों से हमें बचा सकता है, और भयंकर से भयंकर रोग भी हो जाए तो कैसे हम उन रोगों से अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इस बारे में हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम के महत्व को जाना था। आज हम कपालभाति प्राणायाम के विषय में जानेंगे, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम है वो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह है, बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्राणायाम है। और प्राण के विषय में तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि प्राणस्यदम वसे सर्वम त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि न इति। अर्थात प्राण की शक्ति यदि हमारी प्रबल है, प्राण की शक्ति यदि हमारी शक्ति से युक्त है तो हम पूरे संसार के अंदर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और यदि प्राण की शक्ति कमज़ोर पड़ गई है तो हम अपने आप से ही हार जाते हैं। इसीलिए प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर की शक्ति को प्रबल बनाएं और सब ओर से रोगों को परास्त करके संसार में विजय को प्राप्त करें। तो यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो संसार की सब परिस्थितियों में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, संसार की सब समस्याओं का हम समाधान पा सकते हैं। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करना आवश्यक है। तो कपालभाति प्राणायाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कपाल यानी मस्तक, माथा, आभा मंडल, और भाति यानी चमक, दीप्ति, आभा, ओज, तेज, प्रकाश, द्युति, ज्योति। तो जब जिस प्राणायाम के माध्यम से हमारा मुख मंडल है, हमारा जो पूरे शरीर का आभा मंडल है जिसको ओरा कहते हैं, वो प्रकाशित होने लगता है, हमारे शरीर की सब प्रकार की अशुद्धियाँ बाहर निकलने लगती हैं, तो उस प्राणायाम को कपालभाति प्राणायाम कहा जाता है। कपालभाति प्राणायाम है वो हम जैसे कि भाई कुलदीप आर्यवीर जी कर रहे हैं, श्वास को झटके से बाहर फेंकना होता है और पेट को झटके से अंदर लेना होता है, दोनों क्रियाएँ एक साथ करनी होती है। जैसे नाक से श्वास को बाहर फेंकने की आवाज़ आएगी, ऐसे जैसे हम किसी मोमबत्ती को मुंह से बुझाते हैं फूंक मार करके, ऐसे ही नाक से मोमबत्ती को बुझाना होता है, या हाथ हथेली लगा के भी हमें जांच कर सकते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। जब झटके से श्वास छोड़ते हैं तो हथेली पे श्वास का फोर्स लगता है। ये कपालभाति करने की क्रिया है, सही तरीके से करना आवश्यक है। कई लोग जो है गलत तरीके से प्राणायाम करने लगते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, हाथों में दर्द होने लगता है, तो ऐसे कई प्रकार की समस्या जो है, कोई भी कार्य हम गलत तरीके से करेंगे तो उससे हानि होने की संभावना रहती है। लेकिन सही तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। शुरुआत में 2 से 5 मिनट ये अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे हमारे पेट का अभ्यास हो जाता है तो फिर पेट में दर्द होना जो है बंद हो जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम पेट के, उदर के सब प्रकार के रोगों के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है, रामबाण प्राणायाम है। जैसे कि आंतों की समस्या हो गई हो, किसी को आंतें कमज़ोर हो गई हो, या जो है आंतों में मल चिपक जाता है, कब्ज हो जाता है, गैस है, एसिडिटी है, अफारा है, अपचन है, पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो कपालभाति प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करके शुरुआत में 2 से 5 मिनट करें, फिर इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं, आधा घंटा, एक ही घंटा तक प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और कपालभाति प्राणायाम है वो खाली पेट ही करना चाहिए, सामान्य गति से करना चाहिए। जिनको हाई बीपी की समस्या है, या हार्ट की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है, हर्निया आदि की समस्या है, या फैटी लीवर आदि की समस्या है, इस प्रकार की कोई गंभीर समस्या है, तो उनको कपालभाति प्राणायाम है वो सामान्य गति से करना चाहिए, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना। ऐसे और जो पूरे स्वस्थ हैं, जिनको कोई गंभीर रोग नहीं है, सामान्य रोग है, या जो स्वस्थ हैं वो फास्ट गति से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से 1 सेकंड में 5-7 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो हमारे शरीर की डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे लीवर की समस्या हो,
फैटी लीवर हो तो सामान्य गति से अभ्यास करें, थोड़े थोड़े समय के लिए उसको बढ़ाते जाएं। और हेपेटाइटिस ए बी सी तक सब प्रकार की समस्याएं, हेपेटाइटिस की, लीवर की किसी भी प्रकार की समस्या हो, किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे किडनी है वो श्रिंक हो गई हो, किडनी में पथरी आदि बन गई हो, या किडनी है कमज़ोर पड़ गई हो, तो किडनी के शोधन के लिए भी, पैंक्रियाज के लिए भी, पैंक्रियाज की किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे डायबिटीज़ हो गया हो, तो इसके लिए कपालभाति प्राणायाम है वो रामबाण प्राणायाम है। हार्ट के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हार्ट की समस्या यदि अधिक है तो सामान्य गति से करें और थोड़े समय के लिए करें, 5 मिनट तक प्रतिदिन करें, फिर इस समय को बढ़ाते जाएं। इस प्रकार से शरीर की और डाइजेस्टिव सिस्टम की सब प्रकार की समस्याओं के लिए कपालभाति प्राणायाम है वो बेस्ट प्राणायाम है। इसके साथ साथ हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ये ध्यान आदि का अभ्यास भी प्रतिदिन करना चाहिए। ये जो है हमारे शरीर का शोधन करने वाला सबसे बेस्ट प्राणायाम है। और कपालभाति को कुछ लोग प्राणायाम कहते हैं, कुछ लोग इसको षटकर्म में भी गिनते हैं। जैसा कि षटकर्म के बारे में कहा है कि नेति धोती तथा बस्ती नौलिश त्राटकम तथा कपालभाति चैतानी षटकर्माणी प्रचक्षते। 6 जो कर्म बताए हैं, षट कर्म बताया है, उनमें एक क्रिया कपालभाति को ही बतलाया गया है। और ये जो है प्राण के माध्यम से, प्राण के सहारे से की जाती है, इसलिए इसको प्राणायाम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास करें और अपने शरीर को डिटॉक्स करें, अपने शरीर को शुद्ध और परिमार्जित, परिशोधित और स्वस्थ बनाएं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। सभी को ओम नमस्ते, जय श्री राम।